नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। दोस्तों, क्या लक्ष्मण जी मेघनाथ की शक्तियों को कम आंक बैठे थे? आखिर कैसे मेघनाथ ने श्री राम की सेना को अकेले इतना त्रास दे दिया जितना सभी मिलकर भी नहीं दे पाए थे? जानते हैं मेघनाथ की शक्तियों के बारे में। दोस्तों, मेघनाथ रावण और मंदोदरी का पुत्र था। अपने पिता की तरह वह भी स्वर्ग विजयी था। इंद्र को परास्त करने के कारण ब्रह्मा जी ने इसका नाम इंद्रजीत रखा था। इसका नाम उन योद्धाओं में लिया जाता है जो कि ब्रह्मांड अस्त्र, वैष्णव अस्त्र तथा पशुपत अस्त्र के धारक कहे जाते हैं। यह तीनों महान अस्त्र सिर्फ दो ही लोगों के पास था, एक परशुराम भगवान एवं दूसरा इंद्रजीत। इसने अपने गुरु शुक्राचार्य के सानिध्य में रहकर त्रिदेवों द्वारा कई अस्त्र शस्त्र एकत्र किए थे, जिसमें तामसी माया, अभेद्य कवच, अक्षय तर्कस, दिव्य रथ और अमोघ दिव्यास्त्र थे। इंद्रजीत एक अजय अतिरथी योद्धा के साथ साथ पितृभक्त पुत्र भी था। यह पता चलने पर कि राम स्वयं भगवान हैं, फिर भी उसने अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा। मेघनाथ की भी पितृभक्ति प्रभु श्री राम के समान अतुलनीय है। रामायण के युद्ध में कुंभकर्ण के मारे जाने के बाद अपने पिता रावण के आदेश पर मेघनाद रणभूमि में उतरा। जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, एक एक करके सारे योद्धा इंद्रजीत के हाथों या तो वीरगति को प्राप्त हो गए या तो भागने लगे। अंत में लक्ष्मण जी और इंद्रजीत के बीच द्वंद्व होने लगा। जब इंद्रजीत के सारे अस्त्र विफल हो गए तो उसने अदृश्य होकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी पर नागपाश का प्रयोग किया तथा राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को नागपास में बांध दिया था। ऐसा करने वाला वीर पृथ्वी पर कोई नहीं हुआ। दूसरे दिन के युद्ध में मेघनाद ने अदृश्य होकर माया युद्ध किया और लक्ष्मण जी को शक्ति बाण मारकर अचेत कर दिया। मेघनाद ने अकेले ही श्री राम की सेना को इतना त्रास दे दिया जितना रावण, कुंभकर्ण इत्यादि मिलकर भी नहीं दे पाए थे। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, मेघनाद ने सारी वानर सेना पर ब्रह्मशिरा अस्त्र का प्रयोग किया था, जिससे सुग्रीव का लगभग आधी वानर सेना एक ही दिन में समाप्त हो गई थी। यह एक अद्भुत वीरता था। जब हनुमान जी वानर सेना को बचाने दौड़े तो इंद्रजीत ने उन पर भी वैष्णव अस्त्र का प्रयोग किया, परंतु उन्हें भगवान श्री ब्रह्मा जी का वरदान होने के कारण कुछ नहीं हुआ था। तीसरे दिन के युद्ध में उसने अंतिम तीन महान अस्त्रों का प्रयोग किया, जिनसे बढ़कर कोई दूसरा अस्त्र इस सृष्टि में नहीं है। सबसे पहले उसने ब्रह्मांड अस्त्र का प्रयोग किया। इस पर भगवान ब्रह्मा जी ने उसे सावधान किया कि यह नीति विरुद्ध है, परंतु उसने ब्रह्मा जी की बात ना मानकर उसका प्रयोग लक्ष्मण जी पर कर दिया। परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड अस्त्र लक्ष्मण जी को प्रणाम करके निस्तेज होकर लौट आया। फिर उसने लक्ष्मण जी पर भगवान शिव का अमोघ पाशुपतास्त्र प्रयोग किया, परंतु वह भी लक्ष्मण जी को प्रणाम करके लुप्त हो गया। फिर उसने भगवान विष्णु का वैष्णव अस्त्र लक्ष्मण जी पर प्रयोग किया, परंतु वह भी उनकी परिक्रमा करके लौट आया। उसके बाद इंद्रजीत समझ गया कि लक्ष्मण जी एक साधारण नर नहीं, स्वयं भगवान के अवतार हैं, और वह तुरंत ही अपने पिता के पास पहुंचा और उसने सारी कथा का व्याख्यान दिया। परंतु रावण तब भी नहीं माना और उसने फिर से इंद्रजीत को युद्ध भूमि में भेज दिया। इंद्रजीत ने यह निश्चय किया, यदि पराजय ही होनी है तो भगवान के हाथों वीरगति को प्राप्त होना तो सौभाग्य की बात है, और उसने फिर एक बार महासंग्राम आरंभ किया। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में यह परम वीर अपने देश के आन पर लक्ष्मण जी के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गया। तो दोस्तों, यह था मेघनाद का पूरा वृतांत। यदि आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।